अच्छा जी, तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, तो मेरे इस रिक्वेस्ट पे है कि आप नॉन वेजिटेरियन बनाती हैं, बिरयानी बनाती हैं, गोश्त बनाती हैं, कलेजी बनाती, तो आप ना सिंपल खाना भी बनाया करें। तो जी आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बनाऊंगी दाल फ्राई और चावल और फिर सैलेड। तो सैलेड को सजाना भी कैसे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगी इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं फिर दाल फ्राई कैसे। अच्छा जी, तो देखें ये है मेरी अरहर की दाल, आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये है मेरा पाव भर का डिब्बा जिसे मैंने दाल नाप लिया, और ये है छोटी दाल, देख लें आप, इसे अरहर की दाल कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो मैंने इसे सबसे पहले धो लिया है, और अब इसमें क्या मसाले ऐड होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है 5 से 6 हरी मिर्च, और इस 3 से 4 कली लहसुन की, और ये है जी टमाटर, जो इसमें टमाटर भी जाएगा। मैं ना इसे पहले सबसे पहले नॉर्मल कर लूँगी, फिर इसे फ्राई करूँगी। फ्राई कैसे करते हैं मैं बता दूँगी आपको। तो इसे सबसे पहले दाल डाल दें, और सारे मसाले इसमें जो हैं वो भी डाल दें, इसमें एक साथ डाल दें, और टमाटर भी डाल दें इसमें जैसे मैं डाल रही हूँ। और फिर आप इसमें ना पानी ऐड करें, तो पानी आप इतना इसमें ऐड कर दें कि इसमें पानी आपको दाल अच्छी तरह से डूब जाए। और फिर इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डाल दें, और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दी हूँ। तो बस अब इसे कुछ करना ही नहीं है, बस अब इसे ढक्कन लगा करना आप चुपचाप, बस आप इसे ना आप चूल्हे पे चढ़ा दें, अब इसके साथ कुछ नहीं करना। ये 3 से 4 सीटी में ना दाल गल जाती है अच्छे से। अच्छा जी, अब मैं यहाँ कर लेती हूँ चावल की तैयारी। तो अब बस चावल को धुल के मैं इसमें पानी डाल दूँ, देख सकते हैं आप, ये फिंगर से डेढ़ उंगली पानी ऊँचा है। तो अब इसे बस इसे भी चढ़ा देंगे, एक तरफ दाल एक तरफ चावल, ये मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए मैं दाल खोल रही हूँ, और ये मसाला से अच्छी से ये गल चुकी है। अच्छा, दाल ना घोटा ना करे, बहुत से लोग घोट देते हैं, बस इसे ये दाल चला लें, अच्छे से ही गल जाती है अपने आप खुद से ही। तो मेरी दाल थोड़ी सी लग गई थी नीचे, अब मैं इसे करूँगी फ्राई। तो आप इसे देख लें दाल फ्राई कैसे बनता है, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी दाल फ्राई ऐसे ही होता है, बस वो लोग ना मक्खन से करेंगे और हम ना इसे रिफाइंड ऑयल से करेंगे। तो इसमें देखें क्या क्या जाता है, ये है जीरा जी, ये है लहसुन, और ये है जी हरी मिर्च, और ये है जी मैंने 2 टमाटर काटे हुए हैं, और एक छोटी सी अदरक, ज़्यादा अदरक ना लें और इसको पीसे बिना। अब सबसे पहले इसमें जाएगा रिफाइंड ऑयल, और अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन, और इसी में मैं डाल दूँगी हरी मिर्च और जीरा, सब जब फ्राई हो जाए फिर इसमें मैं डालूंगी प्याज ऐड करूंगी, और इन सबको अच्छी तरह से आप ना भून ले जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने अदरक को अच्छे से कुच लिया है, क्या कहते हैं आप लोग इसे, तो अच्छे से मैंने इसे सिलबट्टे के साथ ही कुच लिया। तो फिर अब इसको टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, टमाटर जब आप डालें तो हल्का सा नमक डाल दें, तो टमाटर जल्दी गल जाता है, और फ्लेम को ना लो कर दें। तो जब मेरा टमाटर गल जाएगा ना, तब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी, क्योंकि अदरक पहले ऐड कर दूँगी ना तो फिर चपकने लगेगा बर्तन में। तो इसे देखिए मैंने ढाँक दिया, आप इसी तरह ढाँक दो, जल्दी से ये टमाटर गल जाते हैं। तो देखिए अब खोल दी मैं, तो ये टमाटर अब गल चुके हैं, बस आप इसे चम्मच से चला दें तो ये अच्छी तरीके से मैश हो जाता है। और अब इसमें जब टमाटर हो गए तो अब इसमें मैं अदरक ऐड करूँगी, और मसाले जो हैं मैंने ये हल्दी और मिर्चा आधे आधे चम्मच लिए थे वो मैंने ऐड कर दिए। पहले ये मसाले ना डालें, वरना ये ना फिर लग जाएगा, जल जाता है। अब जब मसाले आपके अच्छी तरह से तेल छोड़ दें और टमाटर अच्छी तरह से हो जाए, अब इसमें ना आप दाल इसी में डाल दें, तो जिसमें दाल डाल के ना बस उतार लें। अच्छा, हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं तो हम लोग इसमें कड़ी पत्ता का यूज़ नहीं करते, लेकिन साउथ इंडियन के लोग इसमें कड़ी पत्ता का भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें कड़ी पत्ता नहीं डालूंगी। आप इसमें चाहें तो सरसों के दाने भी डालकर इसमें छौंक सकते हैं, और फिर आप ना इसमें धनिया डाल दें, मेरे पास धनिया नहीं थी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी दाल बनकर तैयार हो गई है। अच्छा जी, अब कर लेते हैं सैलेड की तैयारी। अच्छा, मैं सैलेड बना तो रही थी, लेकिन बस थोड़ी सी कोशिश कर रही थी उसे डेकोरेशन करने की, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। मैंने खीरा और टमाटर से सैलेड को बनाया था, तो इसको ना आप सोच रहे होंगे ये छिलका क्यों उतार रही है, मैं भी हैरान थी मैं छिलका क्यों उतार रही हूँ, लेकिन देखें आप मैं छिलके के साथ क्या करती हूँ। बस थोड़ी सी मैं कोशिश की हुई थी कि हाँ चलो भाई बन जाए, डेकोरेट हो जाए। तो इसके मैंने ना दो मेरे छोटे टमाटर थे, आप इतना थोड़े टाइट और बड़े टमाटर ले, जो थोड़े लंबे लंबे से होते हैं रेड रेड से, तो मेरे पास छोटे टमाटर थे, तो मैं सारे छिलके उतार ली। देखिए मेरे टमाटर अच्छी तरह से लाल हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से लाल कर लें, या फिर ना आप खीरे को पतले पतले स्लाइस में काट दें। अच्छा, आप खीरे के छिलके भी ना उतारें, मैंने तो उतार लिए थे। अच्छा, तो आप बस ना आप इसे डेकोरेट कर दें अच्छे तरीके से, बस गोल गोल मैंने। तो फिर उसके बाद देखिए जो मैंने छिलका उतारा था ना, फिर उसको बस आपको पकड़ के ना हाथ से रोल कर देना है। तो जब रोल कर देंगे ना, तो ये देखिए ये रोज़ बन जाएगा, तो जब मेहमानों के सामने जाता है ना तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो फिर ये मैंने सैलेड बना लिया था किसी तरह से कोशिश करके कि चले सही से ये बन जाए, लेकिन बस
जैसा भी बना आप लोग भी थोड़ा ट्राई कर लें। तो माशाल्लाह से देखिए मेरा सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। रोटी बनाई थी मैंने, चावल बनाया था और बहुत आसानी तरीके से बन गया दाल फ्राई, जिसे आप लोग कहते हैं। ये बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में आप जाएंगे ना, आपको दाल फ्राई इसी तरह मिलेगा। बस वो लोग ना इसको मैंने रिफाइंड ऑयल से किया और ये लोग ना बस मक्खन से करते हैं। अच्छा जी, तो मेरा व्लॉग आज का यहीं तक का था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएँ। अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।